के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। संत और शास्त्रों का मत है कि देव देवादि देव महादेव भी जिस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारते हैं, कामना करते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले इस दिव्य महोत्सव की तैयारियां अद्भुत और अनुपम है। आज के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का महत्व वैकुंठ से भी ज्यादा बताया गया है। वैकुंठ में तो चिरचिरंतर नारायण का वास है ही, लेकिन नारायण ने पूर्णावतार, प्रेमावतार, रसावतार रूप में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में इस धरा पर प्राकट्य लेकर एक मानवता को रास्ता दिखाया। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, जो हमारी आत्मा, हमारे शरीर, हमारे मन सबको प्रभावित करता है, ऐसा दिव्य जो महोत्सव है उसको हम सब लोग आज सम्मिलित हैं, आनंद अनुभूति कर रहे हैं। कन्हैया का जन्म हुआ, कंस के कारागार के जब बसदेव जी ने कन्हैया को मूर्छला आसन सूप में स्थापित किया तो कंस के कारागार के ताले टूट गए, जंजीरें टूट गई, बेड़ियां टूट गई, हथकड़ी टूट गई, पहरेदार सो गए। अर्थात श्री बसदेव जी के सामने कोई भी सांसारिक बंधन नहीं रहा। तो भगवान का प्राकट महोत्सव हम सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ के मनाए। बहुत हर्षित हो रहा हूँ कि ऐसा सौभाग्य मिला कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पे जन्मस्थान मंदिर में आ गया हूँ। बहुत ही कृष्ण जी की कृपा है ये। आज जब लाला का जन्म होगा 12 बजे तो पूरे विश्व भर में राधा राधा, जय श्री कृष्णा गुंजायमान होगा। आप यहाँ मौजूद रहने वाले आपकी तैयारियों को किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है, क्या महसूस हो रहा है, क्या अंदर महसूस कर पा रहे हैं? प्रशासन ने बहुत ही अच्छी तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम करके रखा हुआ है। लाखों लोग हैं लेकिन फिर भी सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से किया है, मंदिर प्रशासन ने बहुत अच्छे से किया है। राधे राधे। बहुत ही सौभाग्य से आज के दिन मुझे यहाँ पे दर्शन करने को मिला है। बस भगवान का शुक्रिया करना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत सौभाग्य है यहाँ पे आए हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की दर्शन हो गए, बहुत अच्छा से हुए दर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम हर साल आते हैं इसी तरह की संजी का बर्थडे मनाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बोलो राधे राधे बोल बंसिया लाल की जय। इस बार आकर के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो कि दिल प्रफुल्लित हो जा रहा है। मंदिर में मंदिर प्रांगण से लेके पूरा शहर सजा हुआ है, भगवान के नाम से गूंज रहा है पूरा शहर। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु हमेशा बुलाते रहे, बस यही प्रभु से कामना है।